नमस्कार, नम्रता टेलरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले सादा ब्लाउज चार्टर्स वाला। तो नए लोग है वो कॉटन का कपड़ा यूज करें और पुराने हो कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। और ये वीडियो आप बिना स्किप के देखें, क्योंकि कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर चीज मिस हो गई तो आपका ब्लाउज गलत हो सकता है। आज हम सादा ब्लाउज कटिंग करने वाले हैं। उसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर का पीस लिया है। सादे ब्लाउज में लगने वाले मेजर है लंबाई, छाती, कमर घेर, शोल्डर, बाई लंबाई, बाई घेर, आगे का गला और पीछे का गला। तो अभी हम इसके ऊपर 34 चेस्ट का डायग्राम निकालते हैं। ये इसका फोल्ड है, ये साइड में घड़ी है, ये साइड में ओपन है। तो अभी हम घड़ी के साइड में ब्लाउज की लंबाई लेंगे। अभी ब्लाउज की लंबाई है 13 प्लस आधा इंच लेते हैं, मगर हम 1 इंच लेंगे। अगर कहीं सिलाई में कम ज्यादा हुआ तो, कहीं धागा निकल गया तो कम हो जाता है, तो लंबाई प्लस 1 इंच लेंगे। 34 छाती के लिए हम लोग 5.25 इंच आर्महोल लेंगे। शोल्डर भी 5.25 है। गले की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। यहाँ पे छाती का चौथा हिस्सा, 34 का चौथा हिस्सा 8.5 है। यहाँ पे कम्बर घेर का चौथा हिस्सा, कम्बर घेर 28 है। 28 का चौथा 7 इंच आता है, प्लस 1 इंच हम लोग ट्रस के लिए लेंगे, 8 इंच। 8 इंच पे मार्क करेंगे। आगे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच रखेंगे। अभी गले की लंबाई लेंगे 10 इंच। इसमें चौकोन गला बना रहे हैं हम लोग, तो ऐसे ही रखेंगे, इसे सेट नहीं देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम पीछे के आर्म होल का सेट देंगे। यहाँ पे डार्ट के लिए मार्क लगाएंगे 3.5 इंच पे, नहीं तो इसका बीच निकाल के बराबर यहाँ पे लगाना है आपको। डार्ट की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे। ज्यादा लंबाई तो आप 5 भी रख सकते हैं। ब्लाउज लंबा रहेगा तो डार्ट की लंबाई बढ़ा दीजिए। अभी पीछे का हिस्सा हुआ मार्क करके अभी कटिंग करते हैं। अभी पीछे का कटिंग करके हुआ है, अभी यही पीस उठा के हम यहाँ पे रखेंगे और आगे के पीस की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मार्क करके लेते हैं और यहाँ से आगे का गला नापेंगे। आगे का गला 6.5 है। यहाँ पे मार्क करेंगे और इसे यहाँ पे मार्क करके लेंगे और पीछे के पीस से आगे का 1/2 इंच बड़ा रखेंगे का पीस। यहाँ पे मार्क करके लेते हैं। यहां से भी हमने 1/2 इंच थोड़ा आगे बड़ा रखा है और यहाँ पे भी 1/2 इंच बड़ा रखा है। अभी हम एक पीस उठा के साइड में करते हैं और यहाँ पे आगे के आर्म होल के लिए लाइन बना के लेते हैं। यहां से हम 1/2 इंच अंदर लेंगे लाइन, यहाँ पे ज्वाइंट करके
आगे का सेप, यहाँ एक इंच पे मार्क करके आगे का सेप देंगे। और हम आगे का गला गोल रखेंगे, तो यहाँ पे कर्व निकालते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा इससे बाहर लेंगे, गला चौड़ा चाहिए तो ये लाइन से थोड़ा यहाँ पे चौड़ाई बढ़ा देंगे, यहाँ पे जहाँ पे गले की चौड़ाई उतना ही रखेंगे। अब यहाँ हम डॉट मार्क करेंगे इसमें आगे के लिए। यहाँ से छाती का चौथा हिस्सा लेंगे, 34 का चौथा 8.5 आता है, प्लस 1.5 इंच लेंगे और 10 इंच पे मार्क करेंगे। छाती का चौथा वगैरह इसका मैंने चार्ट आपको टोपी के वीडियो में दिया है, वो आप देख सकते हो। अभी मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। हम यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे, अभी टॉक्स के लिए हम यहाँ से ये 1/2 इंच लाइन छोड़ के यहाँ पे 3.5 पे मार्क करेंगे। 3.5 पे मार्क करने के बाद यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी 1 इंच पे मार्क करके यही पॉइंट से हम सब डॉट मारेंगे। इसके नीचे 1.5 इंच लेंगे और यहां से 1.5 इंच लेंगे पीछे। यहां से 1.5 इंच लेके ये लाइन बनाएंगे। अभी हम ए साइड से यहां पे 2 इंच का मार्क करेंगे और यहां पे भी 2 इंच का मार्क करेंगे और यहां से सीधी लाइन बना देंगे। अभी हमें एक डार्ट है थोड़ा चौड़ा नहीं लेना है, 1/4 इंच का, मतलब 1.5 इंच का पूरा डार्ट 1.5 इंच का हो जाएगा। और इसके नीचे हमें 1 इंच और बढ़ाना है तो अच्छे से पफ आएगा वो डार्ट का। और यहां से ऊपर हम 1/4 इंच लेंगे और यहां से ऐसे हम योग के लिए मार्क करेंगे। और ये लाइन यहां पे ज्वाइन कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे जो 2 इंच कम लिया है वो यहाँ पे योग पट्टी लगेगा आगे, वो हम योग पट्टी अलग साइड से निकालेंगे, यहाँ पे नहीं निकालेंगे। अभी यही सब डार्ट का मार्क हम डार्क करके लेंगे। अभी यहाँ से कटिंग करते हैं आगे का सेप और ये गला कटिंग करके लेते हैं। अभी यहाँ आके हम 1 इंच थोड़ा बाहर लेके कटिंग करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 1 इंच ज्यादा लिया है बाहर के साइड, ये लाइन से थोड़ा बाहर लिया है। अभी हम यही डार्ट का मार्क ए साइड चाहिए हमें, तो अभी ये पीस उठा के इसके ऊपर रखते हैं। और थोड़ा थपथपा के लेंगे इसे, तो इसका मार्क यहाँ पे आ गया है। अभी आगे का और पीछे का भी इस कटिंग करके हुआ है, अभी हम स्लीव्स कटिंग करके लेते हैं। अभी यहाँ पे हम बॉडी कटिंग करेंगे, इसके लिए ये डबल फोल्ड है और इसको और एक बार फोल्ड करके लेंगे।
और एक घड़ी के साइड में बाही की लंबाई लेंगे। पहले हम 1.5 इंच फोल्ड के लिए लेते हैं, उसका मार्क करते हैं यहाँ पे। उसके बाद बाही लंबाई मुझे 5 चाहिए प्लस 1/2 इंच सिलाई के लिए, तो मैंने 5.5 पे मार्क किया। अब बाही घेर 12 है तो बाही घेर का 1/2 6 आता है, तो हम यहाँ 6 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 3.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 6 लिए है तो प्लस 1.5 इंच करके यहाँ पे मार्क करेंगे, तो ये 7.5 हुआ यहाँ पे। अभी हम ज्वाइंट करेंगे। यहां से 3 इंच लेके अभी यहाँ आगे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच रखेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है, आपके पास बड़ा कपड़ा है तो आप पूरा 1.5 इंच लीजिए, मेरा 1.25 इंच आ रहा है। और यहाँ से ऐसे मार्क करके यहाँ पे अटैच करेंगे और ये वाला सेप यहाँ से यहाँ ज्वाइन करके फिर यहाँ पे सीधा। अब हम ही यहाँ से कटिंग करते हैं। अब ये बाही कटिंग करके हुआ है। अब ये 1.5 इंच यहाँ पे हम नॉचिंग करके लेंगे। अब ये जो ऊपर का 2 हिस्सा है वो हम बराबर ये 1.5 के ऊपर रखेंगे यहाँ पे। और जो ये हिस्सा है वो हम कटिंग करके लेंगे। तो ये हो गया हमारा आगे के साइड का से और ये पीछे का। अभी हम योग पट्टी निकालेंगे यहाँ पे ऐसे कपड़े में। यहाँ पे एक लाइन बना के लेते हैं पहला। उसके बाद हमने 2 इंच का चौड़ाई रखा था योग पट्टी का, तो सिलाई के लिए हम 1.25 इंच रखते हैं यहाँ पे, तो 2.75 इंच का यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे सेप के लिए 1 इंच ऊपर लेंगे। यहाँ कमर की इधर 1/2 इंच अंदर लेंगे और क्रॉस में कटिंग करेंगे। ये हुआ हमारा योग पट्टी। अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो डबल कपड़े का भी आप कटिंग कर सकते हैं। अभी मेरे पास सिंगल कपड़े में आ रहा है तो मैंने सिंगल कटिंग किया है। अब पीछे का गला चौकोन है तो मैंने यहाँ पे पीछे का गला कटिंग किया था, तो यही कपड़ा मैं यहाँ पे उठा के रखूंगी और चौकोन गला पट्टी निकालूंगी। डायरेक्ट कटिंग करते मार्क नहीं करते, उससे कम ज्यादा हो जाता है। और अभी ये जितना पट्टी चौड़ा है इतना ही हम रखेंगे। ये पीछे के गले के लिए चौकोन पट्टी हो गई है और ये जो पट्टी निकली है हम इसमें अभी 5 बटन पट्टी के लिए पट्टी निकालेंगे। हम लोग ऐसे ही अंदर से 8.5 इंच रखते हैं लंबाई और हम 2 पट्टी लगेगी हुक के लिए और 1 लूप के लिए, तो ये 2 पट्टी इसमें निकलने वाले हैं। हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। 1 पट्टी हमें 1.5 इंच का चाहिए और 1 2 इंच का चाहिए। ऊपर कैसा 1.5 इंच का मार्क करके लेते हैं। 1.5 इंच की पट्टी हुक के लिए लगती है और 2 इंच की लूज बनाते हैं वो साइड में लगेगी, तो ये वाली चौड़ी पट्टी रखेंगे हम। 2 पट्टी हो गए और ये जो बचा कपड़ा है उसमें हम
कमर पट्टी के लिए 1.5 इंच का पट्टी निकालेंगे। अब ये जो डार्ट मार्क करके लिए है इसके ऊपर अभी सिलाई मारते हैं। ऐसे ही जो लाइन है उसके ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई मारेंगे, आधा आधा इंच पकड़ के, यहाँ पे 1.25 इंच पकड़ के, मतलब 1.5 इंच का डार्ट। अब ये डार्ट पे सिलाई मारना है हमें, तो हम यहाँ पे फोल्ड करके लेते हैं और यहाँ पे आधा इंच लेके सिलाई मारेंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ आते आते हमें क्रॉस होना है, एकदम तिरछे में डार्ट आना चाहिए। अभी यहाँ हुआ तो यहीं पे काटना नहीं है हमें, यहीं से वापस जाएंगे तो डार्ट में अच्छे से लॉक हो जाता है और उसका सिलाई निकलता नहीं है। ऐसे सब डार्ट में हम सिलाई मार के लेंगे, यहाँ का जो चौड़ा है उससे चौड़ाई मिल लेंगे। अब ये डार्ट पे सिलाई मार के हो गई है, अभी यहाँ पे योग पट्टी लगाएंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे योग पट्टी, यहाँ से। अब ये ट्रक्स और योग पट्टी लगा के हुआ है, अभी हम हुक पट्टी और लूप पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी 1.5 इंच की है, तो हम जब पहनेंगे ब्लाउज तो जो राइट साइड आती है वहां पे हम हुक पट्टी लगाएंगे, पहनने पे ये राइट में आएगा, तो ये वाली पट्टी हम यहाँ पे ऊपर से लगाएंगे 1.5 इंच की निकाले से। और ये जो 2 इंच चौड़ी, 2 से भी ज्यादा ही चौड़ी है, वो हम लेफ्ट साइड में अंदर के साइड से लगाएंगे। और यहाँ पे अभी सिलाई मार के लेंगे। अभी ये पट्टी को हमने यहाँ साइड में सिलाई मार के लिया है, अभी यहाँ पे ऊपर से दाब सिलाई मार के लेते हैं, जो 1.5 इंच की पट्टी थी उसके ऊपर। और ये जो 2 इंच की पट्टी है उसे हम अंदर के साइड से लगाए, अभी यही सिलाई पे इसे हम फोल्ड करके सिलाई मारेंगे। अभी आगे का पीस कंप्लीट हुआ है, टॉक्स मार के का हुक बटन पट्टी लगा के हुआ है। अभी हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, उसके लिए पहले हम पीछे का पीस रखेंगे ऐसा, और इसके ऊपर ये पीस रखेंगे आगे का, और यहाँ पे सीधी साइड से एकदम कॉर्नर में सिलाई मार के लेंगे। अभी ये सीधे साइड से दोनों साइड शोल्डर में सिलाई मार के हुआ है, अभी हम अंदर के साइड से मारेंगे। इसके लिए ऐसे घुमा के लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पकड़ के सिलाई मारेंगे दोनों साइड। अभी बाही लगाने का है हमें, तो पहले हम यहाँ पे मार्क करके लेते हैं, ये अंदर की साइड है बाही की, ये साइड में भी, नहीं तो एक साइड का 2 बाही हो जाएगा इसके लिए। अभी यहाँ मार्क किए ना, वो साइड फोल्ड करके ऐसे पहले सिंगल सिलाई मार के लेंगे, उसके बाद ये 1.5 इंच का मार्क है वहां पे हम सिलाई मार के लेंगे दोनों बाही में। अभी ये बाही में 1.5 इंच फोल्ड करके हुआ है, यहाँ पे मैंने 4 नंबर सिलाई मार के रखा है, क्योंकि बाद में यहाँ पे तुरपाई करनी है। तुरपाई अगर आपको नहीं आती है तो मैंने तुरपाई का भी वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। अभी हम ऐसा फोल्ड करके लेंगे इसका, ये आगे का शेप है इसका, तो हम ऐसे रखेंगे इधर, दूसरी बाही ये साइड में रखेंगे, ऐसे रख के हम अभी आगे का शेप यहाँ पे ज्वाइंट होगा और ये पीछे वाला पीछे। अब ये जो सेंटर है वो यहाँ पे शोल्डर पे आएगा बराबर, ऐसे रख के हम ज्वाइन करेंगे बाही। यहां से ऐसे सिलाई मार के लेते हैं। अभी दोनों साइड में बाही लगा के हुआ है, अभी हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे गले के लिए, आगे के गले के लिए। अभी यहाँ से क्रॉस पट्टी निकालेंगे आगे के गले के लिए, पीछे के लिए तो चौकोन हमने कटिंग करके रखा है, तो दोनों साइड के लिए 2 पट्टी निकालेंगे। अभी ये पट्टी हम पीछे की साइड के पट्टी में ज्वाइंट करके लेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसे एक साइड में बाहर के साइड से ऐसे सिलाई मार के लेंगे पूरे पट्टी में, गला पट्टी में साइड में सिलाई मार के हो गई है। अब हम सीधी तरफ से
ब्लाउज सीधा सीधी तरफ से ब्लाउज के पट्टी रखेंगे यहाँ से और सिलाई मारेंगे। अभी गला पट्टी लगा के हो गई है, अभी इस पे नॉचिंग करके लेते हैं। यहाँ चौकोन है वहां पे भी। अभी नॉचिंग करके हुआ, अभी यहाँ पे एक कपड़ा इस साइड पकड़ के ऐसे हम यहाँ साइड में दाब सिलाई मार के लेंगे। अभी दाब सिलाई मार के हुआ है गला पट्टी में, अभी हम साइड का सिलाई मार के लेंगे दोनों साइड में सीधी साइड से। कमर पट्टी में अभी साइड में सिलाई मार के हो गई है और ये जो टुकड़े थे छोटे छोटे वो सब ज्वाइन करके हो लिए। अभी ये कमर पट्टी हम ब्लाउज में लगाएंगे सीधे साइड से। ये ब्लाउज की सीधी साइड है, यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ थोड़ा ऐसे अंदर से फोल्ड करके लेंगे और यहाँ भी सिलाई मारते हैं। अभी ये डार्ट आया है पीछे का, वहां पे हम एक कमर पट्टी में एक छोटी सी प्लेट्स लेंगे। पीछे के दोनों डार्ट के ऊपर हम लोग कमर पट्टी में एक छोटी प्लेट लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे फोल्ड करके लेंगे। अभी कमर पट्टी लगा के कंप्लीट हुआ है, इसके ऊपर ऐसे ही हम यहाँ पे दाब सिलाई मार के लेते हैं सीधे साइड से। अभी हमारा कमर पट्टी लगा के हुआ है ब्लाउज कंप्लीट। अभी ये जो बाहर से सिलाई दिख रहा है तो हम अंदर अभी सिलाई मारेंगे फिटिंग करने के लिए, तो ये सिलाई अंदर जाएगा तो अभी यहाँ से फिटिंग करेंगे। हमारा कमर घेर था 28 और छाती 34 और हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, उतना ही हम अभी यहाँ फिटिंग में लेंगे। ये हुक की पट्टी वहां से हम 7 इंच लेंगे। कमर घेर 28 है तो चौथा हिस्सा 7 आता है और वैसे भी हमने 1.5 इंच छोड़ा था यहाँ पे तो बराबर उतना ही आ रहा है। यहाँ पे भी हम छाती के यहाँ 1.5 इंच लिए थे, यहाँ पे भी हम 1.5 पे 1.25 इंच में मार करेंगे, 1.5 इंच बाहर की सिलाई में गया है। बाई घेर 12 है तो हम 6 पे मार्क करेंगे। और यहां से ये बराबर सीधी लाइन पे ऐसे फिटिंग आ जाएगा एकदम बराबर। यहाँ पे ये पट्टी छोड़ के हमें 7 इंच लेना है, जो लूप की पट्टी हो छोड़ के 7 इंच पे मार्क करना है, नहीं तो आप यहाँ से 1.25 इंच छोड़ के भी करेंगे तो भी बराबर आता है। अगर जैसा मैंने मेजर बताया वैसे ही आपने लिया तो फिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, बराबर फिटिंग हो जाती है। अब पहले हम यहाँ पे एक सिलाई मार के लेंगे, उसके बाद ये वाली सिलाई मारेंगे और इसके बीच में हम एक या दो सिलाई मार के रखेंगे। अभी हम पहले यहाँ का सिलाई मार के लेंगे। उसके बाद जो मार्क किया है वो सिलाई मारेंगे। अभी इसके साइड में एक सिलाई मार के रखेंगे हम। अभी कैसे पट्टी तैयार करेंगे हम प्रेस बटन लगाने के लिए, कोई उसे प्रेस बटन बोलते हैं, टच बटन बोलते हैं। अभी पट्टी बीच में कटिंग करते हैं और यहाँ पे शोल्डर पे ज्वाइंट करेंगे। एक ए साइड में एक ओ साइड में, दोनों साइड दो ज्वाइंट करेंगे।
अभी यहाँ पे हमें लूज बनाने हैं और ये साइड में हुक लगाने हैं। तो अभी इसके लिए हम मेजर से लेंगे, ये देखिए ऐसा एक बार फोल्ड करने का है, ये इसका सेंटर आया ये पट्टी का, फिर और एक बार फोल्ड करना है ये सेंटर पे जो यहाँ पे फोल्ड हुआ था, यहाँ पे और ये दो कॉर्नर में इस साइड के और ये यहाँ पे। तो ऐसे हम पांच लूप्स बनाएंगे, पांच, और इसी हिसाब से हम यहाँ पे हुक लगा के लेंगे। इसके ऊपर ही ये पट्टी रख के बराबर हमें लेना है, इसे दबा के तो यहाँ पे मार्क आ जाएगा, तो इसके सामने ही हुक लगाएंगे। अभी ये हमारा सादा ब्लाउज सिल के कम्प्लीट हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत से पीछे भी चौकोन गला हुआ है और एक पूरा कम्प्लीट हुआ है। यहाँ पे हुक लगाने का है, आई करके हुक लगाने का है। हुक का वीडियो मैंने डाला है, जो नए है वो देख सकते हैं, वहां से देख के हुक लगा सकते हैं। और आप सबने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।